हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बना रही हूँ साउथ इंडियन डिशेस लाइक इडली एंड डोसा, जो मुझे बहुत ही पसंद है और मेरा फेवरेट है। तो इडली और डोसा बनाने से पहले ना मैं बनाऊंगी कोकोनट चटनी और सांभर। तो चटनी की रेसिपी यहाँ पे देख लो आप। छोटे छोटे पीसेस में मैंने नारियल को कट कर लिया है, आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। और फिर इसमें थोड़ा चना का फूड, थोड़ी धनिया पत्ती, दो तीन हरी मिर्ची डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। आप इसमें मूंगफली भून के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया। इसमें राई, जीरा और करी पत्ता का तड़का लगा रही हूँ। और फिर इसमें थोड़ी सी हींग डाला मैंने। हींग मुझे बहुत पसंद है, उसकी खुशबू पसंद है। आप नहीं भी डाल सकते हैं इसमें हींग। मैंने सारा जो तैयार किया था चटनी इसमें डाल दिया है तड़के में। आधा चम्मच नमक डालेंगे, बस हो गई चटनी रेडी। देखा आपने कितना आसान है चटनी बनाना, फटाफट बन जाता है। जब आप सोचते रहते हैं ना मुझे ये बनाना है वो बनाना है, तो आपको लगता है अरे बड़ा डिफिकल्ट है कैसे बनेगा, पर जब आप बनाने लगेंगे ना तो बहुत इजी है। अब मैं सांभर बनाऊंगी और फिर उसके बाद बनेगा मेरा इडली और डोसा। तो दोस्तों, ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है। आप भी इस चटनी को जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी सारी रेसिपीज को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।